समीर दास हत्याकांड का खुलासा। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तीन अपराधी पुलिस हिरासत में। धारदार शस्त्र से वार कर की गई थी हत्या। पहले भी कई बार किया गया था मारने का प्रयास। चार अप्रैल को बेला परिसर में प्रॉपर्टी डीलर समीर दास के हत्याकांड का खुलासा भंडारा पुलिस स्टेशन के गुना प्रकटीकरण दल ने किया। मृतक समीर दास पिछले कई वर्षों से जमीन खरीदी व बिक्री का व्यवसाय करता था। इसी के चलते उसका कई लोगों से विवाद भी था और विवादों में न्यायालय में केस भी दर्ज थे। उसी प्रकार जमीन के विवाद को लेकर सुभाषवाड़ निवासी अपराधी राहुल गोवर्धन भूंगाड़े के खिलाफ मृतक समीर दास का जमीन विवाद के चलते कोर्ट में केस चल रहा था। इसी मामले में समीर दास ने आरोपी के परिवार के साथ धोखाधड़ी करने की मानसिकता अपराधी राहुल भूंगाड़े की बन गई थी, जिसके चलते उसने समीर दास को रास्ते से साफ करने का निर्णय ले लिया और उसके नाम की 4 लाख की सुपारी हिरोड़ा के चुरडी निवासी आरोपी श्रीकांत मदनलाल इर्ने उम्र 31 वर्ष को दी और एडवांस के नाम पर 2 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद श्रीकांत ने 20 फरवरी को नेशनल हाईवे 6 पर वेदर लॉन के सामने मृतक समीर दास को उसके एक्टिवा मोपेड गाड़ी से जाते हुए कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया, किंतु इस साल जिसमें आरोपी नाकाम रहा और समीर दास बच गया। उसके बाद दोबारा श्रीकांत ने तुमसर निवासी आकाश रमेश महालगावे उम्र 23 वर्ष अपने मित्र के साथ सुभाष पुतली के समीप मृतक को मारने का षड्यंत्र रचा। उसके मुताबिक 4 अप्रैल को अपराधी श्रीकांत एरने और आकाश उर्फ ढिंगरा महालगावे यह दोपहर 1:30 बजे समीर दास के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप कार्यालय में गए। वहाँ समीर दास मौजूद नहीं था, जिस पर दोनों ही आरोपी ने उसके ऑफिस में काम करने वाली महिला के फोन से जमीन के संबंध में प्लॉट खरीदने का बहाना कर उसे रॉयल पब्लिक स्कूल के पास बुलाया और वहां से तीनों ही अपराधियों ने बेला राजीव नगर के लेआउट पर ले जाकर बातों बातों में ही श्रीकांत ने समीर दास पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गयी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गए। घटना के बाद ही पुलिस जांच में जुट गई थी, जिसके बाद उन्हें सफलता मिली और तीनों ही अपराधियों को हिरासत में लेकर 16 अप्रैल तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक धनंजय इंगले कर रहे हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, DYSP पाटिल के मार्गदर्शन में भंडारा पुलिस के पुलिस निरीक्षक लोकेश कांसे के नेतृत्व में गुना प्रकृतिकरण दल के प्रमुख पुलिस उपनिरीक्षक अरविंद कुमार जगने, पुलिस हवालदार भुसावल, पुलिस नायक प्रशांत भोंगाड़े, पुलिस नायक अतुल मेश्राम, पुलिस सिपाही अजय कुकड़े, मेघनाथ बुर्डे, गणेश मन्नाडे, संदीप बंसोड़, साथ ही साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारी व कर्मचारियों ने की। 4 अप्रैल को शाम 5:30 बजे पुलिस स्टेशन का इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी को पहचानने वाले थे आदमी समीर दास करके, जो शाम सुंदर लॉन है हाईवे पे, उनके मालिक के मर्डर हो गया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन उस दिन मर्डर ऑफेंस रजिस्टर किया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू था। जो एंगल्स थे इस इन्वेस्टिगेशन में वो मोस्टली प्रॉपर्टी थे, क्योंकि जो मृत व्यक्ति थी समीर दास वो प्रॉपर्टी डीलर था। लेकिन उनके बहुत कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो एक सेट वो हीरोइंग यानी किसके कौन इस हद तक आ सकता है ये तय करने में थोड़ा टाइम जा रहा था। बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए थे, CCTV वगैरह, मोबाइल कॉल्स वगैरह, वो करते 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 हम शुक्रवारी तक पहुंच गए। बाद में शुक्रवारी एरिया जो है शुक्रवारी और अपना मैथ समीर दास ये जो रिलेशन क्या हो सकता है, उनका ताल्लुका क्या हो सकता है, इसका स्टडी करते करते हम जो भूंगाड़े हैं इसमें जो राहुल भूंगाड़े हैं उसका थोड़ा हिस्ट्री निकाला, तो उनका फैमिली का जो प्रॉपर्टी है जमीन थी
के जमीन के बारे में मयत समीर दास के साथ झगड़ा था और उसको कोर्ट चालू था, तो थोड़ा इंटरव्यू करते करते हम दोनों को उठाया, उधर से पहले राहुल को उठाया, राहुल भंगाड़े को थोड़ा इंटरव्यू करने के बाद उसने कबूल किया कि उसने 4 लाख का सुपारी दिया था। श्रीकांत आरोपी नंबर जो 2 है, श्रीकांत एरणे, तो श्रीकांत एरणे है प्रॉपर तिरोड़ा का है, लेकिन वो भी ट्रक बिजनेस में था, ट्रक बिजनेस में लॉस हो गया, अभी वो अंडे का व्यापार करता है, वो भी शुक्रवार में अपने ससुराल में रहता है, मैंने पत्नी के मायके में रहता है, उसको सुपारी दिया। ये श्रीकांत एरणे है, थोड़ा क्रिमिनल माइंड है, उसने पहले दास को, मयत व्यक्ति को 20 फरवरी को रोड एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की थी, उसकी i20 कार है, वो i20 कार से उसने धड़क देकर समीर दास इनको मारने की कोशिश की थी, लेकिन अगर वो बचे थे, बाद में उसने फिर अलग प्लान बनाया। उसका एक दोस्त है आकाश महाल गावे करके, तुमसर का 25 साल का लड़का है, वो दोनों ने ऐसा प्लान बनाया कि उस प्लॉट पर उसको बुला के मारेंगे। प्लान के तहत वो निकले 4 अप्रैल को, और उन्होंने पहले ऑफिस गए, इधर का पोस्ट ऑफिस चौक में उसका ऑफिस है मयत का, समीर दास का ऑफिस में वो नहीं थे, वो उनके ऑफिस में काम करने वाली एक लेडी थी, उसको उन्होंने पूछा और उसके लेडी के मोबाइल के थ्रू उन्होंने दास से बात किया, हमको बेला में प्लॉट देखना है, प्लॉट दिखाओ। तो दास ने उनको रॉयल पब्लिक का जो फाटा है हाईवे पे उधर बुलाया, उधर से वो गए प्लॉट पे, और सिर्फ 2 या 3 मिनट में उन्होंने उसके गले पे चाकू से वार कर दिया, उधर हो गए, उनको भी मौका नहीं मिला और मेरी डेथ हो गई। तो अभी 3 ही आरोपी अरेस्ट है और शुक्रवार तक उनकी पुलिस कस्टडी है, इन्वेस्टिगेशन चालू। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।